हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सब बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट में, देखेंगे लास्ट वीक में हमारा क्या एनालिसिस था, नेक्स्ट वीक के क्या टारगेट रख सकते हैं, किस तरह का मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। क्योंकि लास्ट आप देखोगे तो फ्राइडे में काफ़ी बड़ा मोमेंटम देखने को मिला हमें बैंक निफ्टी में। निफ्टी में अगर आप देखोगे तो वहाँ भी काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिला हमें। ठीक है, नेक्स्ट वीक में हमारा क्या व्यू रह सकता है, अगर आप देखोगे तो यूएस डॉलर पे भी एक ब्रेकआउट आते हुए दिखा है, मोर देन 2 या 3% मूव किया है यूएस डॉलर। और वो मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताता हूँ कि यूएस डॉलर जब भी कभी ब्रेकआउट देता है वो हमारी इक्विटी मार्केट के लिए बेरिश रहता है। ठीक है, सबसे पहले हम चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देखते हैं लास्ट वीक में हमारा क्या एनालिसिस था निफ्टी पे। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे तो हमारा ये व्यू था कि हमारा ये वाला अगर लो ब्रेक होता है, ये दो कैंडल्स जो एक साथ बने थे, ठीक है, ये दो कैंडल्स थे, मैंने कहा था ये कैंडल बुलिश था बट इसको इसी कैंडल ने इंगल्फ कर लिया। जैसे ही इस कैंडल के नीचे मार्केट निकलेगा तो हमें बेरिश प्लान करना है। ठीक है, अगर आप देखोगे तो नेक्स्ट डे मार्केट ने यहाँ से ऊपर ही मोमेंटम किया, लगभग आप देखोगे तो 600 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। ठीक है, 600 टू 700 पॉइंट का मोमेंटम हमें अपसाइड देखने को मिला। अभी आप देखोगे तो ये हमारा लो जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट ने, उसके बाद आपको 200 पॉइंट का मूव नीचे देखने को मिला। टारगेट हमारे 200-250 थे, अभी आप देखोगे तो 290 के लगभग का लो हमें देखने को मिला निफ्टी में। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो ये एरिया अभी भी हमारा सपोर्ट वाला एरिया जो रहने वाला है, 17,200-150 के लगभग हमारा सपोर्ट एरिया रहने वाला है। ठीक है, अगर मार्केट 17,150 के नीचे क्लोज कर देता है, ठीक है, यहाँ के नीचे अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिलता है डेली का कैंडल या 15 मिनट का कैंडल भी हमें इसके नीचे क्लोजिंग देखने को मिलता है, उसके बाद आप देखोगे तो सपोर्ट एरिया काफ़ी दूर रहने वाला है निफ्टी का। ठीक है, निफ्टी का अगर सपोर्ट एरिया निकालेंगे तो इसके नीचे हमारा एक 17,000 का साइकोलॉजी लेवल का सपोर्ट एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17,000 वाला सपोर्ट एरिया देखने को मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि साइकोलॉजी लेवल है, काफ़ी बड़ा वाई बिल्डअप होगा यहाँ पे। अगर मार्केट ये लेवल होल्ड कर जाता है तो फिर भी कहीं ना कहीं आपको हो सकता है 17,000 आए, 17,000 आने के बाद मार्केट फिर से पुल बैक ले, 17,200 रीटेस्ट करे और 200 के पास थोड़ा कंसोलिडेशन करने के बाद फिर से ब्रेक डाउन दे और 17,000 को ब्रेक करके 16,650 या 700 के लगभग जा सकता है। क्योंकि अगर आप मेजर सपोर्ट एरिया देखोगे वो हमारा यही मेजर सपोर्ट एरिया बन रहा है। ठीक है, अगर आपको देखोगे तो यहाँ पे वीकली में हमारा एक एम पैटर्न भी बन रहा है जिसको हम बेरिश पैटर्न बोलते हैं या डबल टॉप पैटर्न कहते हैं। ठीक है, तो ये पैटर्न भी अगर बनता है तो हमें कम से कम यहाँ से 700-800 पॉइंट का मूव जो है निफ्टी में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न भी बन रहा है, प्लस हमारा इंपॉर्टेंट लेवल ये है, अगर ये भी ब्रेक होता है तो हमें अच्छा खासा जो है डाउनसाइड मूव देखने को मिलेगा निफ्टी में। ठीक है, अगर आप डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो डेली के टाइम फ्रेम पे हमें कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। लास्ट वीक में मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था, अगर मार्केट ये कैंडल के बीच में फिर से आता है, ठीक है, ये कैंडल के बीच में मार्केट फिर से आता है तो हमें सेम वॉल्टाइल मार्केट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप देखोगे तो हमें एक वॉल्टाइल मार्केट देखने को मिला है, क्योंकि मार्केट अपना प्रीवियस जो रहता है पास्ट को कभी भूलता नहीं है। जब भी मार्केट सेम टाइम पे कहीं कंसोलिडेट किया है तो दोबारा वो रेंज में आ रहा है तो आपको डेफिनेटली वहाँ पे कंसोलिडेशन दिखने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी है कि मार्केट ने रिसेंट में कब क्या किया था, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट एरिया रहने वाला है 17,200। ठीक है, 200 को अगर मार्केट ब्रेक करेगा तो हमें सेम प्लान करेंगे 17,000 के लिए, और 17,000 अगर मार्केट निकालता है तो फिर हम प्लान करेंगे 16,750 तक के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, बट ये वाला लो निकलना इंपॉर्टेंट है, ये ना हो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करे और कंसोलिडेट करने के बाद पुल बैक कर जाए। यूएस डॉलर में भी काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, मुझे लगता नहीं है कि इतना चांसेस रहेंगे कि हमें पुल बैक देखने को मिले, क्योंकि यूएस डॉलर जब भी मूव करता है तो हमारी इक्विटी मार्केट के लिए बेरिश रहता है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं निफ्टी की, सॉरी बैंक निफ्टी की। ठीक है, बैंक निफ्टी में मैंने आपको वीकली चार्ट में ये बोला था कि ये हमारा जो एक रेजिस्टेंस एरिया आप देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस एरिया रहने वाला है, जो लगभग 41,800 के लगभग इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा। ठीक है, और बैंक निफ्टी तब काफ़ी अच्छा लग रहा था। ठीक है, हम देखेंगे तो बैंक निफ्टी ने दोबारा से लगभग 41,600 का हाई लगाया, उसके बाद मार्केट ने वन वे ही फॉल किया। ये फॉल हमने क्या प्लान किया था, क्योंकि ये हमारा ऑल टाइम हाई था और ऑल टाइम हाई मार्केट विदाउट कंसोलिडेशन के नहीं निकालता। अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है मार्केट,
ये लेवल कंसोलिडेट करने के बाद ब्रेकआउट करता है, तब हमें एक कन्फर्मेशन मिल जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से ऊपर बड़े मूव प्लान करेंगे, जैसे 44,000 46,000 इस तरह का मोमेंटम प्लान कर सकते हैं। बट उससे पहले हमें क्या चाहिए, ये कंसोलिडेशन। अगर ये कंसोलिडेशन नहीं होगा मीन्स ब्रेकआउट होने के बाद ब्रेकआउट फेलियर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि सर ब्रेकआउट फेलियर किस तरह से हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रिडिक्ट करना ये नहीं है, आपके पास कुछ कंडीशंस रहनी चाहिए। अगर आप कुछ कंडीशंस बना के रखे हो तो डेफिनेटली आप जो फेलियर रहते हैं, ब्रेकआउट फेलियर रहते हैं, उनसे बच सकते हो, ठीक है। आपके पास कुछ कंडीशंस रहनी चाहिए, जब भी आपको ऐसी कंडीशन बनती हुई दिखेगी तभी आप ट्रेड लोगे, नहीं तो आपको क्या रहता है कि आपको ट्रैप होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे आपको कंसोलिडेशन देखने को मिलनी चाहिए। अभी भी आप देखोगे तो बैंक निफ्टी काफ़ी अच्छे से एक सपोर्ट एरिया के ऊपर ही चल रहा है। अगर फिर भी ये वाला लो निकलता है तो बैंक निफ्टी भी हमारा लगभग फॉल कर सकता है, लगभग आप मान के चल सकते हो 38,700, ठीक है, 38,700 तक का मूव जो है हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिल सकता है। बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो डेली में एक डबल टॉप का फॉर्मेशन बनाया था, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डेली में आपको बैंक निफ्टी का एक डबल टॉप का फॉर्मेशन था और ये काफ़ी अच्छी जगह क्लोज हुआ था। उसके बाद आपको ये वाला मूव जो है देखने को मिला 108.85 पॉइंट्स का, ठीक है, ये डबल टॉप बना था उसकी वजह से ये वाला फॉल हमें देखने को मिला। अभी आप देखोगे तो लगभग हमारा 38,800 के लगभग हमारा सपोर्ट एरिया बन के आ रहा है, जो अगर आप यहाँ से प्लान करते हो तो लगभग लगभग 700 पॉइंट का मूव अभी भी बैंक निफ्टी में हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट एरिया था बैंक निफ्टी का, उसको भी बैंक निफ्टी ने जो है ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो अगर हमें सेम ये लो निकलता है तो हमें दोबारा से एक मूव प्लान करेंगे, क्योंकि मूव अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में रहता है, ये बड़े मूव्स रहते हैं, तो इनको आपको सेम कंसोलिडेशन के साथ ही निकालना पड़ता है। अगर आप बायर हो तो आपको ये टाइम पे मार्केट से बाहर रहना है, ठीक है। जैसे ये ब्रेकडाउन होगा तब आप ट्राई करोगे, या तो कहीं इनसाइड बार बन रहा है, बीच में इनसाइड बार बन के मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, तब आप ट्रेड करोगे, क्योंकि ये कंसोलिडेशन से आप बाहर रहोगे तभी आप पैसा बनाओगे। अगर आप कंसोलिडेशन में भी बिल्कुल मार्केट में होल्ड कर रहे हो, हाँ मेरा 700 पॉइंट का टारगेट है, मेरा 600 पॉइंट का टारगेट, तो वो टारगेट आपको बेशक अगर मिल भी जाएगा बट वो प्रीमियम जो है उसका उतना प्रीमियम आपको नहीं मिलने वाला। तो इसलिए आपने क्या करना है कि मार्केट ने एक बार ब्रेकडाउन दिया, आप साथ में थे, जब कंसोलिडेशन कर रहा है मार्केट या पुल बैक कर रहा है तब आपको एग्जिट लेना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट फ्रेश जब ब्रेक कर रहा है तब आपको मोमेंटम में ही ट्रेड लेना है, क्योंकि अगर आप ऑप्शन बायर हैं तो डेफिनेटली आपको मोमेंटम ही चाहिए। अगर आप मोमेंटम में ट्रेड नहीं ले रहे हैं, साइडवेज मार्केट में ऑप्शन बाय करके बैठ रहे हैं, तो आपका प्रीमियम कहीं ना कहीं डीके होने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों के टारगेट्स। अगर आप बैंक निफ्टी देखोगे तो 38,800 के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। इसके बीच में आपको 39,000 का एक साइकोलॉजी लेवल आएगा, वो भी आपका एक्सपोर्ट एरिया की तरह काम कर सकता है, ठीक है। अगर आप बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देख रहे हो तो वीकली चार्ट अभी भी मुझे कुछ ज़्यादा वो नहीं लग रहा है। अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट हमें कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, ये वाला लेवल अभी भी अच्छे सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। बट निफ्टी में अगर आप देखोगे तो निफ्टी में स्पेस ज़्यादा दिख रहा है मेरे को, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे तो बैंक निफ्टी से निफ्टी में स्पेस ज़्यादा दिख रहा है, क्योंकि ये सपोर्ट एरिया काफ़ी दूर रहने वाला है, ठीक है। इसके बीच में भी आपको 17,000 का एक साइकोलॉजी लेवल दिखेगा। अगर वहाँ पे मार्केट आता है, मार्केट 17,000 आने के बाद रीटेस्ट करता है, दोबारा से ऊपर जाता है, 17,200 को रीटेस्ट करता है, उसके बाद आपको अगर फिर से फॉल देखने को मिलता है, बेरिश पैटर्न बनता है, कहीं एम पैटर्न बनता है या कहीं कुछ रेंज बनता है, रेंज बनने के बाद उसको ब्रेकडाउन करता है, तो तब आप दोबारा प्लान करोगे 17,000 के लिए। अगर फिर 17,000 ब्रेक कर जाता है तब हम 16,700 या 750 वाले टारगेट जो रहेंगे नीचे वाले उनको प्लान करेंगे। ओ फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।